हवा का झोंका आया और उसने आदर्श के बालों और कपड़ों को बिगाड़
स्टूडेंट जॉर्ज ने यह शब्द बोले। उनका ना सूट करने वाला मसूर एक अजीब तरीके से बोलने लगा, मानो उसमें से भी हवा आ गई। उसकी टाई हवा में उड़ने लगी, उसके ट्राउजर जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। आदर्श सोच में पड़ गया कि आखिर अचानक इतनी तेज आती कैसे आ सकती है जो सुपरिटेंडेंट जॉर्ज को बुलाकर ले जाए। तभी एक नीली लाइट चमकी और सुपरिटेंडेंट की तरफ सुंदर तारे की रोशनी आई। ये रोशनी चलते चलते चमक रही थी। बेटा आदर्श, मैं चलता हूँ, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। सुपरिटेंडेंट ने फिर से अपने पीले दांतों वाली स्माइल देते हुए कहा। आदर्श एकदम से हैरान हो गया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे एक तेज हवा की आवाज सुनाई थी। सुपरिटेंडेंट जॉर्ज की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? एक इतना बड़ा आदमी हवा में गायब कैसे हो सकता है? आदर्श को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और क्लास के लिए निकल गया। क्लास में पहुंचते ही उसने डेस्क पर अपना सिर रखा और जो भी उसने देखा उसे बुलाने की कोशिश करने लगा। तभी उसके सामने बैठे दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे। सिर्फ एक महीना बाकी है, अगर मैं एक अच्छे हाई स्कूल में नहीं जा पाया तो? अरे तुम तो बहुत होशियार हो, देखा तुम्हारा एडमिशन स्कूल ऑफ मैजिक में हो जाएगा। कुछ भी, होशियार तो तुम हो, तुम्हारे थ्योरी में भी ज्यादा मार्क्स हैं। और तो और, तुम किसी भी जादुई जानवर को पहचान सकते हो। अब आदर्श की हवा चढ़ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है, सबको वो क्या है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मैं तो ड्रग्स भी नहीं लेता और ना ही मैं स्मोक करता हूँ। हो सकता है कि मेरी नींद पूरी ना होने के कारण मेरे साथ ये सब हो रहा हो। आदर्श ने उन लड़कों की बातों को इग्नोर किया और गहरी नींद में सो गया। इतने सालों में उसे डेस्क पर सोने की आदत हो गई थी। स्टूडेंट्स अपनी बुक खोलिए, आज हम जादू करने की सबसे जरूरी चीजें पढ़ेंगे। मैंने जो बताया था आप लोगों को वो आपको याद है या नहीं? प्राइमरी मैजिक कंप्लीट करने के लिए आपको अपने मैजिक स्टार डस्ट के स्टार्स को एक दूसरे से लिंक करना होगा। ऐसा करने से आप एक स्टार पॉट बना पाएंगे और जादुई शक्ति का यूज कर पाएंगे। मैं आपको ये पहले भी कई बार समझा चुका हूँ और आपको ये पता भी होगा कि ये परीक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा है। आदर्श के मैथ्स टीचर ने बड़े ही सीरियस टोन में कहा। वैसे तो आदर्श मैथ्स टीचर की आवाज़ सुनते ही सो जाता था, लेकिन उसने जैसे ही मैजिक रिलीज और स्टार जैसे शब्द सुने तो उसकी नींद गायब हो गई। आदर्श, बेहतर होगा कि तुम क्लास में ध्यान दो, एग्जाम्स में सिर्फ एक महीना ही बाकी है और फिर भी तुम्हारा ध्यान कहीं और है, मैथ्स टीचर ने उसे डांटते हुए कहा। क्लास के सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। आदर्श उनके लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया था। चलिए अपनी बुक्स खोलिए, टीचर ने आगे बढ़ते हुए कहा। आदर्श को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब ये क्या है? उसने अपनी किताब खोलते हुए कहा। मैथ्स बुक के फॉर्मूलाज, फंक्शंस सब गायब हो गए थे और उनकी जगह आ गए थे स्टार पार्ट और स्टार्स की पिक्चर्स, जो उसकी समझ से तो परे थी लेकिन किसी मैजिक फॉर्मेशन जैसी लग रही थी। जैसे ही उसके मैथ्स टीचर ने उसकी तरफ देखना बंद किया, उसने डेस्क के नीचे अपने बगल में बैठे लड़के को लात मारी और कहा, ये क्या हरकत है, तुमने मेरी मैथ्स बुक क्यों बदली? मैथ्स बुक? भाई तुम कौन सी मैथ्स बुक की बात कर रहे हो? कार्तिक ने पूछा। ये सब क्या बकवास है, जल्दी मुझे मेरी किताब वापस दो। आदर्श ने स्टार पर मैजिक सिंबल्स को दिखाते हुए कहा।
भाई ये इस क्लास की मैजिक बुक है। कहीं तुम फिर से पूरी रात साइंस नॉवल तो नहीं पढ़ रहे थे ना? लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा लेक्चर दी होगी, कार्तिक ने कहा। कार्तिक की बातें सुनते ही आदर्श का मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये मजाक मत करो, आदर्श ने गुस्से में कहा। ये लड़का कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग करने लगा है, लेकिन मैं पागल हूँ क्या जो ये कुछ भी कहेगा और मैं मान जाऊंगा? बॉस तो नॉवल्स पढ़ के सच में पागल हो गए हैं। ध्यान से देखो, हम जादू की दुनिया में हैं। यहाँ मैथ्स जैसी इंटरेस्टिंग और रहस्यमय चीज कैसे हो सकती है? और अगर होती तो मैं मैजिक थ्योरी, एलिमेंटल मैजिक, मैजिक बीस्ट जैसी बोरिंग चीजें नहीं पढ़ रहा होता। मैं मैथ्स और लिटरेचर जैसी चीजें पढ़ने लगता। कार्तिक ने कहा। कार्तिक को देखकर आदर्श ने सोचा कि इसलिए मन भरी बातें करने में एक भी गलती नहीं की। ऐसे बोल रहे हैं मानो सब सच हो। ये सब तो पागल हो ही गया है, मुझे भी पागल करके ही मानेगा। बड़ा आया मैजिकल थ्योरी, एलिमेंटल सिस्टम्स, मैजिकल बीस्ट की बातें करने में। तभी कार्तिक ने आदर्श से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम टीचर की बात ही सुन लो। आदर्श ने जैसे ही अपने टीचर को सुनना शुरू किया तो उसे लगा जैसे वो किसी और ही भाषा में बात कर रहे हैं। वो बार बार स्टार पाथ और स्टार डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे। वाह, सब पागल हो गए, लेकिन मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करूंगा, आदर्श ने गुस्से से कहा। अगली क्लास उसकी फेवरेट लिटरेचर टीचर की थी और वो बिल्कुल मैं होना की सुष्मिता सेन जैसे रहते थे, और वो ये जादू जैसी बकवास बात तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। आखिरकार मैथ्स की क्लास खत्म हुई और आदर्श की लिटरेचर टीचर एक ब्लैक फॉर्मल ड्रेस में क्लास के अंदर आई। क्लास में आते ही उन्होंने हमेशा की तरह अपनी वो सुंदर सी स्माइल दी, जिससे क्लास के लड़कों के दिल हमेशा की तरह जोर जोर से धड़कने लगे। स्टूडेंट्स, आज हम ब्लैक मैजिक के प्रोस और कॉन्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि ब्लैक मैजिक तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्पेक्ट्रा टाइप, कर्स टाइप और शैडो टाइप। अब इन तीनों मैजिक में डिफरेंस क्या है, टीचर ने अपनी मीठी आवाज में कहा। आदर्श लिटरेचर मन लगाकर पढ़ता था, लेकिन ये सब बातें सुनकर आदर्श का दिमाग फिर गया था। देखो, मैंने कहा था ना, कार्तिक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। हाँ, तुम गलत नहीं हो, शायद मैं ही बीमार हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आदर्श ने कहा। आदर्श से रहा नहीं गया, वो खड़ा हो गया और टीचर से पूछने लगा, मैम ये तो लिटरेचर की क्लास है ना?